और चलिए इसी बीच आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। ज्ञानवापी केस में बड़ा फैसला सामने आया। क्या है ये बड़ा फैसला? वाराणसी कोर्ट ने आराम से मैं कहीं बहुत देखिए, जो मुस्लिम पक्ष की मैं बता रहा हूँ, जो मुस्लिम पक्ष जो मुस्लिम पक्ष की पेटिशन है ऑर्डर 7 रूल 11 की, वो रिजेक्ट कर दी गई है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आर्गुमेंट रिजेक्ट कर दिया है, वक्फ एक्ट का रिजेक्ट कर दिया है। 22-9 आगे अब इस बात कि वकील की तरफ से क्या कहा गया। दरअसल ये बड़ी खबर है, बड़ा फैसला हुआ है कि सुनवाई लायक है ज्ञानवापी मामला। हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार हो गई। सुबह से कयास लगाए जा रहे थे हिंदू पक्ष की तरफ से कि उनके पक्ष में फैसला आने वाला है। ज्ञानवापी केस में बड़ा फैसला हुआ, वाराणसी कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। जानकारी आपको दे दें कि हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार हुई है, उसमें आगे बात होगी। ये सारी महिला याचिकाओं के लिए बहुत बड़ी जीत है। आज दर्शन, आज हम लोग बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। हमारी पूरी लीगल टीम बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। अगली तारीख लाया, हम बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ज्ञानवापी केस में बड़ा फैसला, वाराणसी कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है और ये फैसला हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार हुई है, यानी कि ज्ञानवापी केस सुनवाई लायक है। ज्ञानवापी केस में बड़ा फैसला हुआ है। अब से कुछ ही देर पहले आपने सुना कि हिंदू पक्ष के वकील की तरफ से खुशी जाहिर की गई, साथ में बाकी लोग भी वहां पर मौजूद थे, बाकी वकील भी थे और उनकी तरफ से खुशी जाहिर की गई और कहा कि बाबा के दर्शन करने के लिए अब वो जा रहे हैं। ये बड़ी खबर है ज्ञानवापी केस में, ये बहुत बड़ा फैसला और सुबह से सबको इसका इंतजार था, इंतजार फिलहाल खत्म हुआ। जो है जैसे ही मुकदमा जो जिला जज किया है और स्पष्ट कहा कि जो है प्रतिपक्ष का जो है 7-11 इस पर लागू नहीं होता, वक्फ वो लाइव लागू नहीं होता और इसमें हिंदू समाज की तरह जीत हुई है, हिंदू समाज सनातन धर्मियों की जीत हुई है और 22 तारीख दिया गया है, पुनः जो है मुकदमा चलता है। यार आज भी सोमवार है, निश्चित यह विजय दिन हिंदू समाज के ज्ञानवापी मंदिर के लिए यह शिलान्यास का बीजारोपण का दिन है। जश्न कैसे होगा? बिल्कुल, हर हर महादेव, हर काशीवासी, हर प्रदेशवासी हर हर महादेव कहेगा, लेकिन हर काशीवासियों से हर प्रदेशवासियों से निवेदन करेंगे कि शांति बनाए रखें, शांति यह शांति बनाए रखें। तो बिल्कुल, चलो निकलो। महिलाएं कहाँ हैं? प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो चुका है, प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। आप देख रहे हैं कि करके सबकी तरफ से, किस पक्ष की तरफ से क्या कहा जा रहा है, आपको हम लगातार सुनवा रहे हैं। हम उन लोग का 7-11 खारिज हो गया, हम लोग के पक्ष में मुकदमा हम लोग जीत गए, अब हम लोग की मुकदमा चलेगा। बहुत खुशी है, आज हम लोग ने इतिहास रच दिया है। अंदर जज साहब ने फैसला सुनाया है, उसके बाद उन लोग का खारिज हो गया, हम लोग के पक्ष में आ गया है।
देखिए आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो दिखाई पड़ेंगे। इसके साथ बात है की फैसला हिंदू पक्ष में आया है, सबको खुशी है। आज काशी बम्बम बोल रहा है, अंदर जज अपना पूरा सुनवाई की है। चर्चा में आप आए न्यायालय में, सभी लोग बैठे, बैठने के बाद इतने महीने की जो आपकी सफल हुई, जो सहेलियों ने मना किया किए, वो अपना अंदर जाने का उनका अधिकार है, जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं, लेकिन अगर कोर्ट भी आगे जाते हैं तो उनको लाभ नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि रूलिंग एक्ट इतने साथ शब्द मेरे तरफ से दिए गए हैं। ये साबित होगा आज का फैसला, और हम हर्षित हैं, हिंदू समाज हर्षित है, कि समाज सनातन धर्म हर्षित है, और पूरा उत्तर प्रदेश हर्षित है। आगे कार्बन डेटिंग की मांग होगी, मंदिर के जितने भी साक्ष्य हैं, जितने भी दीवार जिसमें से बाबा शिवलिंग, उनको दीवार तोड़ करके बिल्कुल साज, ताकि नंदी और बाबा बात कर सके। आपकी एक मांग थी कि दीवार तोड़ी जाए, उसको लेकर कोई आगे आप लोग चर्चा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग याचिका दायर किए हैं, उसमें आगे सुनवाई होगी। और वही आज कोर्ट में आगे कहा क्या है अपने जजमेंट आगे, यह कह 1991 यहाँ लागू नहीं होता, वक्फ बोर्ड लागू नहीं होता, लिहाजा मंदिर समर्थकों की विजय होगी। हाँ, ज्ञानवापी जो है मस्जिद के लोग बहुत देर तक मौजूद नहीं थे, और जैसे ही माननीय जिला जज आए, हमें एक बार लगा कि आखिर क्या इसका बहिष्कार तो नहीं कर रहे, लेकिन नहीं, जैसे ही जिला जज महोदय आए, मात्र एक अधिवक्ता मस्जिद के आए, जिससे वह कोरम पूरा हो जा रहा है, इसलिए उनको पूरा माना जाएगा। कुचाल है जाने कब आज आगे का क्या रहेगा? आगे कार्बन डे अयोध्या है, उसमें सुनवाई के लिए बोला है कोर्ट ने। हाँ हाँ बिल्कुल, ये हुआ है कि 22 तारीख डेट दी गई है, जो कार्बन डेटिंग की मांग है, श्री राम जन्मभूमि में आंदोलन में भी हम लोग थे, इसलिए हमको अच्छी तरह कार्बन डेटिंग क्या होती है। जो है निर्देश होता है कि कोर्ट के अंदर कुछ फैसला सुनिए, बाहर जाइए, वहाँ कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त नहीं होती है। मंजू जी का विजय का उत्सव जो है, यह काशी विश्वनाथ के शिलान्यास का बीजारोपण का यह प्रथम दिन होगा। यह विजय जो फैसला जो है हमारा, यह बिल्कुल कहना है वह भी भविष्य था, और यह भी मैं कह रहा हूँ उसी आधार पर जो है। आगे की रणनीति है वही सर्वे में, जो सारा कुछ पहले कुएं में शिवलिंग की जो है दीवार टूटे, ताकि नंदी और बाबा बात कर सके, पूजन दर्शन पूजन का अधिकार, नंदी का जो है ज्योतिर्लिंग जो है जो सर्वे मिला है उसका पूजन करने का अधिकार मिले। सोहनलाल जी, सबसे पहले कोर्ट में जज साहब ने क्या फैसला? पहले की इस पर जो 1991 लागू नहीं होता, वक्फ बोर्ड लागू नहीं होता, इसलिए विजय हर हर महादेव की। अभी कहा जाएगा सोनलाल जी? तो आपने देखा कि हिंदू पक्ष में खुशी की लहर है। संवाददाता धर्मेंद्र चौबे इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, ये बड़ा फैसला है और हिंदू पक्ष के हक में बड़ा फैसला है, फिलहाल क्या इस वक्त हलचल आप देख पा रहे हैं? मैं बताना चाहूंगा, काशी जो है हर हर महादेव के नारों से और डमरू की नीना से गुज उठी है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, हिंदू पक्ष के लोग जश्न मना रहे हैं, और पूरी काशी शिवमयी हो गई आज दिन। सोमवार के दिन हिंदू पक्ष में फैसला आना बहुत बड़ा निर्णय माना जा रहा है, क्योंकि आज जो फैसला है ये काफी अहम था, क्योंकि ये जो 600 मुकदमा संख्या 693/21 18/21 राखी सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य उपरोक्त मुकदमे को लेकर जिला जज की अदालत में जो ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए उपरोक्त मुकदमा चलने योग्य है या नहीं। 7-11 की लगातार बात कर रहा था मुस्लिम पक्ष कि 7-11 रूल 7-11 के तहत
ये ओसड़ीय नहीं है, लगातार उसको खारिज करने की अपील कर रहा था। कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष लगातार उसको इसी बात की पुष्टि विष्णु जैन जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है उसको रख रहे थे, और उन्होंने इस चीज को सिद्ध किया कि सुनने योग्य है, क्योंकि 1993 तक काशी विश्वनाथ भगवान विश्वेश्वर व श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी, और उसके बाद दूसरी सरकार जब आई तो उसने रोका। लेकिन बात बड़ी यह है कि 1993 रुकने के बाद भौगोलिक संरचना की बात लगातार मुस्लिम पक्ष कर रहा था, लेकिन आज जो मुस्लिम पक्ष का ये निर्णय रहा, मुस्लिम पक्ष की जो अपील है उसको पूर्ण रूप से जिला न्यायालय, जिला अदालत के जिला न्यायाधीश अजय कुमार विशेष ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। 7-11 को खारिज करने के बाद मसाजिद कमेटी द्वारा दिए गए 7-11 प्रार्थना पत्र में जितने 62 लोग था, एक हिंड्रेंस क्रिएट की गई थी हमारे ट्रायल में, हमारे जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में, उसको हटा दिया गया है कोर्ट के द्वारा मेंटेनेबिलिटी कंफर्म करते करते, और जितने दावे उल जलूल थे जो भी बोगस फ्रिवलस इन्होंने रेज किए थे उनको भी हटा दिया गया है। अब बात आती है ट्रायल प्रोसीड की, ट्रायल में डब्ल्यूएस मंगा लिया। भारत के संस्कार, भारत की संस्कृति, काशी मथुरा अयोध्या जैसे हमारे आराध्य, हमारे को तोड़ने का काम किया, वो उसके बगैर भारत अधूरा है। उनको रोका गया, वो चीजें आज क्लियर हुई हैं, बहुत संतुष्टि की बात है। आगे भी अगर इस तरह से किया जाएगा उसको हम आंसर करेंगे। बीजेपी किस रूप में देख रहे हैं, न्याय की दृष्टि से और सनातन की दृष्टि से? देखिए, सनातन धर्म की दृष्टि में बात यदि देखी जाएगी तो ये है कि केस जो श्रृंगार गौरी के भक्तों ने मामले में फाइल किया है, श्रृंगार गौरी की पूजा से लोग वंचित हैं, उनके लिए यह था, क्योंकि कोर्ट वो आए हैं, वो बड़ी एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन की कैपेसिटी में आए हैं, वो चाहते हैं कि न्याय उनका हो, तो न्याय के लिए बहुत अच्छा हुआ है। जो एक अड़ंगा था वो हट गया है, बहुत अच्छा हुआ। 75 साल से ये देश आजाद है, लेकिन आज सनातन धर्म अपनी ही सिस्टम धरोहर सांस्कृतिक पहचान राम कृष्ण और शिव से, भगवान शंकर से है, काशी मथुरा और अयोध्या से है, ये भारत की पहचान है, अखंड भारत के सनातन की पहचान है, इसे हम कभी भूल नहीं सकते, लेकिन संविधान और कानून को भी हम मानेंगे, क्योंकि इसे मुगलों ने, लुटेरों ने, जो आज कोई बरसी मनाते हैं औरंगजेब का, चादर पोशी करते हैं बख्तियार खिलजी का, उन लुटेरों ने हमारे धार्मिक सांस्कृतिक हम स्थलों को ध्वस्त करने का काम किया है, चाहे सोमनाथ से लेकर के काशी तक। आज जरूरत है कि हम उसे भूल नहीं सकते, ये मेरे लिए भारत के सनातन के पहचान आराध्य के साथ जुड़ा। 22 दिसंबर को अगली सुनवाई है, क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपको? हम कानून में भरोसा करते हैं, कानून पर मुझे भरोसा है, क्योंकि हम कहाँ जाएंगे, मेरे लिए मक्का मदीना तो है नहीं, हमारे लिए तो सब कुछ यही काशी मथुरा अयोध्या ही है, तो हम यहाँ छोड़कर के कहाँ जाएंगे, लेकिन कानून को भी हम सम्मान करते हैं कानून के साथ। नंदी का इंतजार होगा, नंदी की तपस्या सब दिन समाप्त हुआ है, देर है अंधेर नहीं है। तो मतलब आपको उम्मीद है कि वहाँ काशी विश्वनाथ राम मंदिर की तरह कोई बड़ा मंदिर और बड़ा? अच्छा, मैं पूछता हूँ क्यों ना भरोसा हो? मैं भारत में तमाम लोगों से पूछना चाहता हूँ कि भारत का धरोहर काशी मथुरा और अयोध्या है, आध्यात्मिक पहचान है कि नहीं है? अगर पहचान है, हमें उनकी पूजा करने का हक भी मिलना चाहिए या ना मिलना चाहिए, यही तो प्रश्न। लगातार आदिवासियों पे रेप, मर्डर, ये सब हो रहा है। तो फिलहाल आपको हम लगातार ग्राउंड से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, और किस तरह से यहाँ पर हिंदू पक्ष की तरफ से अभी तक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, देख हम आपको लगातार भी दिखा रहे हैं, लेकिन विपक्ष की तरफ से यानी कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से किस तरह की प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आएगी, देखने वाली बात होगी। धर्मेंद्र हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मेंद्र, बात यहाँ पर की जाए अगली सुनवाई की, तो 22 सितंबर को क्या अगली सुनवाई होगी? बिल्कुल, बात पोषणीय की जो हो रही थी, बात पोषणीयता की जो रही थी वो अब अदालत ने सिद्ध कर दिया, और इसकी अगली
सुनवाई की तारीख 22 सितंबर को तय अजय कुमार विशेष ने कर दिया है। अगली सुनवाई 22 तारीख से 1991 वर्सिस एक्ट जो लगातार बात कर रहे थे, 1991 भौगोलिक संरचना, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो वहां की स्थिति है, वास्तु स्थिति कंफर्म कर दिया है। केस मेंटेनेबल है, कहीं से कहीं डिसमिस नहीं होगा, रिजेक्ट नहीं होगा, मेंटेनेबल है, तो ट्रायल होगा। ट्रायल प्रोसीड के लिए 22 सितंबर की मीडिया जैन साहब एक मिनट किनारे भैया चलो अंदर और आगे एक बड़ा फैसला है और लगातार हटो भाई हटो एक मिनट दादा जो कुछ भी कोर्ट ने कहा है दर्ज बात है, हम सब उसका उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, एहतराम करते हैं, और जो कुछ भी बातें आई हैं वो अभी आप हजरात मीडिया ही के ज़रिए से आई हैं, और जब कोर्ट का पूरा जजमेंट सामने आएगा तो उसको स्टडी करके ही कोई एक हतमी फैसला या राय कायम की जा सकती है। लेकिन बाबरी मस्जिद के केस के सिलसिले में जो कुछ भी जी सर, बहुत ऐतिहासिक बदलाव आए, हिंदुओं की जीत हुई है, मैं बाबा बोले रात को फैसला सुनाने बताने जा रहा हूँ, उनका आशीर्वाद लेकर आगे बात करूंगा। धर्मेंद्र चौबे लगातार हमारे साथ बने हुए थे। धर्मेंद्र, आप जानकारी दे रहे थे कि क्या कुछ रहा, और आपकी तरफ से भी जानकारी दी जा रही थी कि अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी, फिलहाल अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बात पोषणीयता की हो रही थी, 7/11 एक्ट की बात हो रही थी, उसको अभी जिला जज ने खारिज कर दिया है। अब बात रह गई 1991 वर्सिस एक्ट मेंटेनेबल है या नहीं, अब इसकी सुनवाई निर्धारित न्यायालय ने कर दिया है कि इस पर सुनवाई हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से हिंदू पक्ष ने अपनी बात रखी थी कि 1993 तक श्रृंगार गौरी और भगवान विश्वेश्वर की पूजा हो रही थी और तमाम ऐसे भौगोलिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिले थे वहां पे, ये सिद्ध करते हैं कि भगवान विश्वेश्वर वहां विराजमान है। जिस बात की फवारे की बात कर रहे थे, श्रृंगार गौरी के पूजन अर्चन की बात कर रहे थे, जो श्रृंगार गौरी की याचिका थी, तमाम ऐसे बिंदु हैं जिसको लेके हिंदू पक्ष ने रखा था, और उस बिंदुओं को अहम मानते हुए विशेष अदालत अजय कुमार विशेष जिला जज ने उसका निर्णय लिया है, और पोषणीयता के आधार पर 7/11 एक्ट को खारिज करते हुए 1991 वर्षीय पे कंटिन्यू सुनवाई करने का उन्होंने डेट दे दिया है 22 सितंबर। अब सुनवाई होगी, अब इससे जो होगा अहम फैसला, अहम निर्णय वो देखने वाली बात होगी। धर्मेंद्र, एक जानकारी फिलहाल यहाँ पर ये भी सामने आ रही है कि क्या कोर्ट में मुस्लिम पक्ष फैसले के दौरान वहाँ पर मौजूद नहीं था, कैसी भी कोई जानकारी? जी बिल्कुल, मुस्लिम पक्ष द्वारा जब जिला जज आए और उस समय मुस्लिम पक्ष जो है कोर्ट रूम से बाहर हो गया, लेकिन जिला जज के आने के बाद जो फैसला सुनाने की घड़ी आई, सब मुस्लिम पक्ष के लोग कोर्ट रूम में पहुंचे हैं, और फैसला आते ही मुस्लिम पक्ष के लोग कोर्ट के बाहर तुरंत निकल गए, और पूरी जो कचहरी परिसर रही, जो कोर्ट परिसर है पूरा, अजय कुमार विशेष की अदालत कोर्ट परिसर से ही हर हर महादेव के नारों से गूंजने लगा, और वही कोर्ट परिसर में मैं पूरी काशी ऐसे उतर गई, लगा कि पूरी जो अदालत का फैसला है ये पूरी काशी के पक्ष में हुआ है, और कहीं न कहीं काशीवासियों के मन में जो चीज थी, आज दिन सोमवार है, इसका निर्णय न्यायालय नहीं, इसका निर्णय बाबा करेंगे, तो वो चीज देखने को अब मिल रही है, और काफी हर हर महादेव के नारों से ढोल नगाड़ों से गूंज रही है, पूरी काशी शिवमयी हो चुकी है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि देखिए हम ग्राउंड से तस्वीरें भी अपने तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं, इसी के साथ साथ हिंदू पक्ष की तरफ से अभी तक क्या कहा गया वो भी दिखा रहे हैं, क्या मुस्लिम पक्ष की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने आई? देखिए सूत्रों के हवाले से अभी तक पता चल रहा है कि मुस्लिम पक्ष इस मामले को लेके हाईकोर्ट जा सकता है अभी फिलहाल में, लेकिन मुस्लिम पक्ष का कोई पुख्ता अभी तक कोई वो नहीं आया, अथेंटिक कोई बयान नहीं आया, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट जा सकता है और 7/11 पे चैलेंज कर सकता है, यहाँ पे सुनवाई के मामले में रोक लगाने की अपील करेगा, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि अगली सुनवाई 22 सितंबर को है, क्या उससे पहले हाईकोर्ट मुस्लिम पक्ष जाता है या नहीं जाता है, लेकिन 22 सितंबर को जिला जज की अदालत में 1991 व्यक्ति की सुनवाई जारी रहेगी कंटिन्यू। जी जी, ग्राउंड की तस्वीरों की अगर बात की जाए धर्मेंद्र, तो इस वक्त किस तरह का जश्न वहां पर हिंदू पक्ष की तरफ से मनाया जा रहा है ये भी देखने योग्य है। ढोल नगाड़े अबीर, और जिन 5 महिलाओं ने किया था वो तो उन हारा, 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 हारा,
लगातार दो महीने से 7-11 प्रार्थना पत्र पर बहस चल रही थी पक्ष विपक्ष का, आज उस पर फैसला हुआ और कोर्ट का फैसला न्यायिक फैसला है जो उन्होंने तर्क के आधार पर, रूलिंग के आधार पर, एक्ट के आधार पर फैसला किया है और उनका प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है और ट्रायल चलेगा, ट्रायल के दौरान आगे चलेगी। मुस्लिम पक्ष ने लगातार वो पिछड़ा बच्ची पैक्ट के साथ कोर्ट को लेकर भी बात कर रहे हैं। आप देखिए बहुत सारी बात वो कह रहे थे लेकिन दलील कह रहे थे, चाहे वर्शिप एक्ट हो चाहे उनका बफ एक्ट हो उस पर उन्होंने सबूत कुछ था नहीं। अरे वर्शिप एक्ट क्या है बाबा, 1947 में जो धार्मिक स्थिति जैसी थी उसी होनी चाहिए, तो धार्मिक स्थिति क्या थी उसके लिए तो ट्रायल चलेगा ही, साथ सबूत चलेगा ही। में डिसाइड है और 36 में का भी दिन है, आज बाबा का दिन है, ये संजोग है, ये संजोग है, ये संजोग है, आप प्रयोग की कोई प्रयोग नहीं, संजोग है, हो सकता है बाबा कृपा। देखिए दर्शन करना पूजन करना हम लोग एक सनातन में संस्कार है, प्रवृत्ति है, इसलिए हम लोग लेंगे दर्शन करे जा सकते हैं। सर हम आपको फिलहाल तस्वीरें भी ग्राउंड से दिखा रहे हैं और देखिए ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज हो चुकी है और जज की तरफ से कहा गया कि मामला सुनने योग्य है। और ये भी आपको बता दें कि सुबह से लोगों को इसका इंतजार था और ऐसे में अब लगातार प्रतिक्रियाएं भी यहां पर सामने आती जा रही। हिंदू पक्ष की प्रतिक्रिया आपने सुनी, मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि जब तक कोर्ट की पूरी स्टेटमेंट सामने नहीं आती तब तक कुछ कह नहीं सकते। हालांकि फैसले का स्वागत उनकी तरफ से किया गया है, कोर्ट का पूरा जजमेंट जब सामने आएगा मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया कि तब ही हम प्रतिक्रिया कर पाएंगे। और वहीं पर आपने देख लिया कि कुछ महिलाएं जश्न मनाती हुई नजर आई थी, हर हर महादेव के जयकारे यहां पर गूंजते हुए नजर आ रहे। आज हम लोगों ने बहुत खुश है, आज हम सभी कुछ, सभी हिंदू और सनातन दल से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि सभी लोग अपने घर में छत में ठीक 8 बजे दीपक जलाएं, शंख नगाड़े बजाएं और हर हर महादेव का नारा लगाएं। आज बहुत बड़ी जीत हुई है, आज सारे हिंदू और हमारे बाबा की बहुत बड़ी जीत हुई है, हर हर महादेव है। आज बहुत बड़ी खुशी, खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, आज हम लोग बहुत खुश हैं, आज हम लोग गा रहे हैं, नाच रहे हैं और प्रकृति भी खुश है, आज हम लोग, आज सारा देश खुश है। तुम्हारा हमारा जो चलेगा दावा सुनने योग्य है, जिस दावे को हम लोगों ने माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था वो आज उस पर पूरी तरह मोहर माननीय न्यायालय ने लगा दिया है। आज सारे पक्षों को 2 महीने की जो मैराथन सुनवाई 7 रूल 11 पे हुई है उस सुनवाई को पूर्ण विराम देते हुए माननीय न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति को खारिज कर दिया है। उनका कहना था, उनके आर्डर फैसलों में उन्होंने दिया कि मुस्लिम पक्ष का जो 7 रूल 11 के तहत आपत्ति 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन बाधित कर रहा है उसको खारिज करते हुए हिंदू पक्ष का जो है उन्होंने कहा कि नहीं, ये हिंदू पक्ष की जीत को सुनिश्चित करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो है पोषणी है, ये वाद चलने योग्य है, इसलिए ये मुकदमा चलेगा। अब सुनवाई 22 तारीख से शुरू होगी, 22 सितंबर से अब आगे की तिथि माननीय न्यायालय ने दिया है और ये सुनवाई अब सुनने योग्य है। फिर आगे की कार्रवाई जो है हम लोग कोर्ट का जो ट्रायल है अपने बीच अपने तमाम सीनियर हैं अपने मित्र हैं सब समझ के मुकदमे को आगे हम लोग बढ़ाएंगे। और अगला स्टेप हमारा खुला है कि भाई हम लोग तमाम, पहली बात तो ये जो साक्ष्य आए हैं कोर्ट के जो कमीशन कोर्ट अधिवक्ता कमिश्नरों द्वारा जो रिपोर्ट आई है उस पर सुनवाई होगी और नए कमीशन की भी मांग ऑलरेडी हम लोगों का प्रार्थना पत्र पड़ा हुआ है। हम लोगों का एक प्रार्थना पत्र पड़ा है कि तहखाने जिसके अंदर चारों तरफ तहखाने बंद है जिसके अंदर माँ श्रृंगार गौरी और आदि विशेश्वर का अर्घा है उस तहखाने को खोल कर पूरी तरह जो है उसको सर्वे करवाया जाए क्योंकि उसमें तमाम देवी देवता हमारे जो है पड़े लॉर्ड गणेश हैं लॉर्ड हनुमान माँ श्रृंगार गौरी अंदर है जहाँ तक हम लोग नहीं पहुँचे उन सारे चीज़ों साक्ष्यों को बाहर निकाला जाए और दीवार इसलिए उस दीवार को खोला जाए। खोलने के बाद ये ऑलरेडी हमारा जो प्रार्थना पत्र पड़ा हुआ है और उसके बाद भी तमाम चीज़ें हम लोग कार्बन डेटिंग की मांग करेंगे कि पुरातत्व विभाग द्वारा जो है इसकी जाँच कराया जाए और दूध का दूध पानी का पानी निकल के आए और ये सुनिश्चित हो जाए कि औरंगजेब ने जिस मंदिर को तोड़ा था आदि विशेश्वर का वो हिंदुओं का स्थल है और हमारा हमको हमारा अधिकार मिले, बस ये हमारी मांग रहेगी। आगे कोर्ट की कार्रवाई चलती रहेगी। सर क्या रहा
देखिए हो सकता है बाबा के दर्शन करने हम लोग जाए, मिल जाए परमिशन, मिल जाए तो बाबा के दर्शन करने हम लोग जाएंगे। मंजू जी मंजू जी इधर आइए, ऐतिहासिक जीत क्या जाएगी आगे, क्या रणनीति है आगे? हम सभी भाइयों से, हिंदू भाइयों सनातन दल से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आज सभी लोग 8 बजे अपने घरों में दीपक जलाए, शंख नगाड़े बजाए और हर हर महादेव का नारा लगाए, क्योंकि आज काशी वासियों की, आज पूरे सनातन धर्म की, आज हिंदुओं की बहुत बड़ी जीत है। हर हर महादेव। बहुत शानदार गा रही है आप, कौन सा? मान पुड़ना बेरो बाबा, रहा न कोई बाकी, कि बम बम बोल रहा है काशी, कि बम बम बोल रहा है काशी, हर हर महादेव। महादेव के जयकारों से आपने देखा कि पूरी वाराणसी गूंज उठी है। और देखिए कोर्ट को आज बस यही फैसला करना था कि जो याचिका है ये सुनने लायक है भी या फिर नहीं, और कोर्ट की तरफ से जैसे ही फैसला आया हर हर महादेव के नारे लगने लगे। आपने देखा कि महिलाएं किस तरह से खुश हैं और लोगों का ये कहना है कि वो मंदिर में बाबा के दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो यहां पर चारों ओर अब हिंदू पक्ष की तरफ से जयकारे लगाए जा रहे हैं, ये बड़ी खबर है। और आपको तस्वीर के साथ साथ हम पूरा मामला भी फिलहाल बता रहे हैं कि पूरा मामला था क्या और आज क्या बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से आया। सुबह से लोगों को इसका इंतजार था। हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार हुई है, मुस्लिम पक्ष की दलील खारिज की गई है। ज्ञानवापी केस सुनवाई लायक है, ये बड़ा फैसला, एक स्टेटमेंट यहाँ पर कोर्ट की तरफ से दे दी गई। अब अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। मामला 1991 के वर्कशिप एक्ट का था, ये हिंदू समुदाय की जीत है। याचिकाकर्ता की तरफ से बड़ी बात यहाँ पर कही गई है, ज्ञान वापिस स्थित श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन, उस आपत्ति को खारिज करते हुए ये कहा कि ये मामला पोषणीय है और ये दावा चलने लायक है, योग्य है, इसलिए माननीय न्यायालय इस दावे को, मुकदमे को सुनेगी और उनके आपत्ति को खारिज कर दिया है। अब आगे हम लोग का तमाम मांग पड़े हुए हैं, जो तहखाने अभी बंद हैं उसका सर्वे करवाया जाए और इन तमाम साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा करके हमारे विजय को सुनिश्चित किया जाए। सुनिश्चित किया जाए, कोर्ट की तरफ से फैसला किया गया। आप लगातार देख रहे हैं कि वकीलों की तरफ से भी किस तरह से रिएक्शन सामने आ रहे हैं, और ऐसे में अब जाहिर तौर पर लाजमी सी बात है कि अब राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाएं काफी ज्यादा तेज हो जाएगी इसको लेकर। फिलहाल आप देखिए कि ग्राउंड पर किस तरह से खुशी है, लोग किस तरह से खुशी से झूम उठे हैं, बाबा के जयकारों से पूरी वाराणसी गूंज उठी है। और आज एक स्टेटमेंट यहां पर कोर्ट की तरफ से दे दी गई कि जो याचिका दायर की गई थी वो सुनने योग्य है। और जैसे ही ये बड़ा फैसला आया आपने देख लिया कि किस तरह से यहां पर लोगों में खुशी है। वाराणसी जिला जज अदालत ने ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी में बड़ा फैसला सुनाते हुए हिंदू पक्ष की तरफ से अब लगातार खुशी जाहिर की जा रही है। एक एक करके हमने आपको दिखाया कि याचिकाकर्ता की तरफ से क्या कहा गया, उधर महिलाएं भी पहुंची थी, उनकी तरफ से भी खुशी जाहिर की गई। लोगों का ये कहना है कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं, और जीत सच्चाई की होती है, ये याचिकाकर्ता की तरफ से भी और कुछ हिंदू पक्ष के लोगों की तरफ से भी बात कही गई।